मंथन एक हिंदी ड्रामा है। ये कहानी बदलते भारत की है, कैसे सबसे गरीब और पिछड़ा तबका क्रांति के रथ पर सवार होता है, जिसका रंग लाल के बजाय सफेद है। एक ऐसी क्रांति जिसमें खून नहीं बहा बल्कि दूध की धारा फूट पड़ी। इसने देश में ऐसे सहकारी संस्थाएं स्थापित किए जिसने आगे चल के बड़े बड़े डेयरी उद्योगों की नींव रखी। लेकिन ये देखना दिलचस्प है कि इनकी शुरुआत कितनी मामूली सी थी। पर इससे पहले कि हम इस दिलचस्प कहानी से मुखातिब हों, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से एक वेटनरी सर्जन डॉक्टर मनोहर राव को गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट भेजा जाता है। उसका काम है गाँव में दूध की सहकारी समिति का गठन करना। बस गाँव में जाकर लोगों को समिति के फायदे बताने हैं, कैसे दूध इकट्ठा करना है, कहाँ बेचना है, कहाँ ज़्यादा कीमत मिलेगी, फिर काम खत्म। आगे गांव वाले समिति अपने आप चला लेंगे। पर यह काम इतना आसान नहीं है। यहाँ पहले से बैठे दूध के व्यापारी हैं जिन्होंने गांव को कर्ज और उपकार के तले दबा रखा है। एक गांव का सरपंच है जिसे हर बात में अपना फायदा देखना है। ऊपर से जात पात का बंटवारा अलग। जब डॉक्टर राव गाँव में आता है तो पहले इसे घूमने और जानने में समय बिताता है। गाँव के लोग जीविका के लिए क्या करते हैं, गाय और भैंस का दूध बेचते हैं या खुद इस्तेमाल करते हैं, अगर बेचते हैं तो कहाँ बेचते हैं, क्या भाव मिलता है। अगली सुबह वो घर घर जाकर दूध के सैंपल इकट्ठा करता है ताकि इसमें फैट परसेंटेज चेक कर सके। अगर दूध में फैट ज़्यादा होगी तो सरकारी डेयरी को यहाँ से दूध की सप्लाई की जा सकती है। क्वालिटी अच्छी होगी तभी यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी खड़ा करना वाजिब होगा। जब राव घर घर घूमकर दूध के सैंपल इकट्ठा कर रहा था, वो सैंपल इकट्ठा करने एक महिला बिंदु के घर भी जाता है। पर बिंदु को राव की बात जरा भी समझ में नहीं आती है। उसे तो लगता है जैसे कोई फालतू आदमी आ गया है। जब राव दूध में से नमूना इकट्ठा करने की इजाजत मांगता है तो वो उसे साफ साफ मना कर देती है। कहती है, अच्छे से समझती हूँ तुम जैसों को, थोड़ा थोड़ा बोल के पूरा भगोना ले लोगे। लेकिन राव मौका देख कर दूध में से थोड़ा सा सैंपल ले ही लेता है और जाने से पहले इसके कुछ पैसे वहीं छोड़ देता है। पर बिंदु तो जैसे पीछे पड़ गई। उसने पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया और कहने लगी कि भगोना छोड़कर अंदर क्या गई, दूध चुरा लिया, शहर वाले सब चोर बदमाश। बात बिगड़ ही रही थी कि वहां गंगानाथ डेयरी वाला मिश्रा आ पहुंचा। उसने गांव वालों को डांट डपट कर वहां से भगा तो दिया, लेकिन अभी जो दोस्त की तरह आया है, राव और उसके कोऑपरेटिव का असली दुश्मन वही है। मिश्रा उससे कहता है कि कोऑपरेटिव तो 6 महीने में बंद हो जाएगी, मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा और गांव वालों से संबंध टूट जाएंगे। इसके अलावे तो और कुछ होने वाला नहीं है। इस गांव में सब अनपढ़ हैं, बच्चे की तरह भोले भाले हैं। ये समितियां यहाँ नहीं चलेंगी, सब बेकार की भागम दौड़ है। लेकिन डॉक्टर राव उसके हर तिकड़म समझता है। कहता है कि फायदा उसी का होना चाहिए जो दूध का उत्पादन करता है और ये कोऑपरेटिव बनाकर ही संभव हो सकता है। कुछ दिन बाद डेयरी बोर्ड की तरफ से कुछ और साथी काम आगे बढ़ाने के लिए यहाँ भेजे जाते हैं। वे सभी छोटी छोटी टोली बनाकर सहकारी समिति के फायदे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पर शुरू से ही यहाँ बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांव वाले कह रहे हैं कि गंगानाथ डेयरी वाला मिश्रा तो उन्हें उधार भी देता है, बुरे समय में मदद भी करता है। अगर समिति उधार नहीं दे सकती है तो क्या फायदा। ना तो गाँव का मुखिया बात समझने को तैयार है और ना ही गाँव के लोग। उन्हें लगता है कि वे किसी राजनीतिक पार्टी से हैं, वोट मांगने आए हैं। गांव की दलित बस्ती में रहने वाला भोला जो दलितों का अघोषित मुखिया है, शहर के लोगों से कुछ ज्यादा ही चिढ़ता है। कहता है कि शहर वाले सब चोर बदमाश, हम तुमको पहचान गए, तुम्हारी खटपटी यहाँ नहीं चलेगी। लगने लगा है कि कोऑपरेटिव का सपना भूल जाना ही बेहतर होगा, सारी मशक्कत बेकार ही जा रही है, ऊपर से यहाँ रहना भी मुश्किल है। एक दिन शहर से एक और सहयोगी चंदावरकर यहाँ पहुँचता है। पहला ही दिन उसके लिए मुश्किलों भरा था। टॉयलेट के लिए मग्गा पकड़कर झाड़ियों में जाना पड़ता है। अगर प्रेशर दिन में आ गई तो पूरे गांव को पता चल जाएगा कि कोई शौच में जा रहा है। जगह ढूंढकर बैठना भी मुश्किल हो जाता है। शुरू में गाँव वालों को समिति के फायदे समझाने में फेल होने के बाद राव ने फिर से प्रयास करना शुरू किया। घूम घूम कर समझाता है कि अगर उनके दूध में चिकनाई ठीक होगी तो उन्हें दूध के ज़्यादा पैसे मिलेंगे। गांव में घूमने से कोऑपरेटिव वालों को ये भी पता चल गया है कि यहाँ कौन कौन से लोग कितना प्रभाव रखते हैं। एक तो मिश्रा है, दूसरा सरपंच और तीसरा बदमाश भोला। मिश्रा और मुखिया तो केवल अपना फायदा देखेंगे, रही बात भोला की,
तो उसे बात समझानी आसान नहीं है, पर अगर उसे मना लिया तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का फायदा ही होगा। भोला के कहने पर दलित और पिछड़े भी समिति से जुड़ेंगे। जितने अलग अलग लोग होंगे समिति का उतना ही फायदा होगा। अंत में समिति तो गांव के लोगों को ही चलानी है। एक रात डॉक्टर राव को ढूंढते एक ग्रामीण उसके घर पहुंचता है। ग्रामीण का बेटा बड़ा बीमार है। जब राव कहता है कि वो इलाज नहीं कर सकता है, वो जानवरों का डॉक्टर है, तब वो रोते रोते कहता है कि अरे इलाज तो कर लेते हो, क्या जानवर क्या इंसान। आसपास के गांव में कोई उपचार केंद्र भी नहीं है। अगर राव मदद नहीं करेगा तो मदद की कोई उम्मीद भी नहीं रहेगी। आखिरकार राव अपने एक साथी देशमुख के साथ उस बच्चे की हालत चेक करने चला जाता है। वो बच्चे की जांच करता है और जानवरों के इंजेक्शन को स्टेरलाइज करके बुखार उतारने की दवा इंजेक्ट करता है। देशमुख को ये सब ठीक नहीं लग रहा है, इसमें बड़ा रिस्क है, लेकिन राव के हिसाब से बच्चे की हालत नाजुक है, कुछ तो करना ही होगा। बच्चे का इलाज करना एक बड़ा रिस्क था, पर इलाज से बच्चे की हालत में सुधार हो जाता है। अगले दिन जब उस बच्चे का पिता मोती अपनी पत्नी के साथ उसका शुक्रिया अदा करने उसके लिए दूध का भगोना लेकर आता है, तो डॉक्टर राव को इसमें एक मौका नजर आता है। वो उन्हें दिखलाता है कि वे कैसे दूध की शुद्धता चेक करते हैं, और जब वो दूध की शुद्धता के हिसाब से उसके दूध की असली कीमत बतलाता है तो मोती के होश उड़ जाते हैं। ये कीमत तो मिश्रा के तय कीमत से दुगनी है। ऊपर से हर रोज मिश्रा दूध की कीमत बदलता रहता है, और विरोध करने पर उसके लोग अपनी अकड़ दिखलाते हैं। इतने में बेचना है तो बेचो, नहीं तो वापस ले जाओ। एक दिन जब लाइन में लगे लगे बिंदु की मिश्रा के आदमी से लड़ाई हो जाती है, तब वो कुछ महिलाओं को लेकर दूध बेचने राव के पास पहुंच जाती है। पर अब तक कोई सोसाइटी बनी नहीं है। दूध की खरीद बिक्री करना डॉक्टर राव का काम नहीं है, उसे तो सोसाइटी बनाना था ताकि गांव के लोग खुद ये काम कर सकें। पर आज गांव वालों ने पहली बार सोसाइटी के कॉन्सेप्ट पर भरोसा दिखाया है। अगर आज दूध नहीं खरीदेंगे तो उनका भरोसा हमेशा के लिए उठ जाएगा। सुबह दूध खरीदते हैं और अपने खर्च पर इसे सहकारी डेयरी तक छोड़ आते हैं। अगले दिन से ये सिलसिला चल पड़ता है, पर जिन्होंने अब मिश्रा को दूध बेचना बंद कर दिया है, मिश्रा उन्हें सबक सिखाने के लिए उनसे अपने कर्ज वसूलने की जोर डालता है। उसके आदमी किसी के भैंस खोल कर ले जाते हैं तो किसी से सूद मांगते हैं। उन्होंने बिंदु के भैंस भी खोल कर ले जाने की कोशिश की। हालांकि राव और उनके साथियों के काफी प्रयास के बावजूद अब भी गांव के ज्यादातर लोग समिति में शामिल होने के लिए राजी नहीं हैं। पर देशमुख को लगता है कि वो सरपंच को आसानी से समिति का मेंबर बना सकता है। वो अपना मुनाफा समझता है, अगर सरपंच मेंबर बन गया तो उसकी देखा देखी गाँव वाले भी मेंबर बन जाएंगे। पर राव के मुताबिक सरपंच से ज्यादा जरूरी भोला का मेंबर बनना है। अगर भोला मेंबर बनता है तो उसके समाज के लोग भी इससे जुड़ेंगे। एक शाम जब वे गांव को समिति के कामकाज से जुड़ी फिल्म दिखला रहे थे, कुछ बदमाशों ने उन पर पत्थर फेंके। गांव में अगर कोई मारपीट और बदमाशी होती है तो लोगों का शक सीधे भोला पर ही जाता है। इस बार भी शक उसी पर गया। एक दिन राव ने बिंदु से ये जानने की कोशिश की कि आखिर भोला उनसे इतनी नफरत क्यों करता है। तब वो बतलाती है कि वो केवल उनसे नफरत नहीं करता है, हर उससे नफरत करता है जो शहर से आता है। बहुत पहले जब गांव में सड़क बन रही थी, एक शहरी से उसकी माँ का अफेयर हो गया था। वो आदमी उसकी माँ को गर्भवती करके वापस शहर भाग गया, फिर गांव कभी नहीं आया। भोला उसी की नाजायज औलाद है। भोला की स्टोरी ट्रेजिक है, लेकिन समिति को चलाना है तो भोला को समझाना होगा। उसके आने पर गाँव के दूसरे दलित भी इसमें शामिल होंगे। गांव के लोग उसकी बात मानते हैं। एक दिन जब चंद्रावरकर गांव वालों को पशु के कृत्रिम प्रजनन की जानकारी दे रहा था, राव नोटिस करता है कि बैठक में कोई भी हरिजन शामिल नहीं हुआ है। आखिर बात क्या है? तब उसे पता चलता है कि दलितों का लीडर और उपद्रवी भोला को पुलिस ने पकड़ लिया है। सरपंच ने पत्थर फेंकने के आरोप में उसे अंदर करवा दिया था। सरपंच कहता है ऐसे भी बड़ा दुखी करता था हरामजादा, लेकिन राव जानता है कि ऐसा करना कतई सही नहीं होगा। सभी समझेंगे कि हमने ही भोला को जेल कराई है, भूल सुधार करनी होगी। इसलिए राव तुरंत उसकी जमानत करने थाने चला गया, फिर जमानत करा के गांव तक उसे अपनी जीप में ही लेकर आता है। हालांकि ना तो भोला कुछ बोल रहा है और ना ही राव कुछ कहता है, पर लगता है मामला सुधरने लगा है। अब भोला से समिति में शामिल होने की गुजारिश की जा सकती है। आखिर समिति में गरीब किसान शामिल नहीं होंगे तो समिति बनाने का फायदा ही क्या। एक शाम राव भोला के घर चला जाता है, सोचता है कि भोला से बात कर सके, पर भोला कहता है कि समिति बड़े लोगों की है,
इससे हमारा कोई फायदा नहीं। असल में भोला ने दलितों पर किए जाने वाले अत्याचार नज़दीक से देखे हैं। उसे यकीन नहीं है कि उनके लोगों को समिति में कोई महत्वपूर्ण जगह मिलेगी। आखिर में मिश्रा और सरपंच जैसे लोगों का ही इस पर कब्जा हो जाएगा। वो राव से कहता है कि मैं शहर के लोगों पर भरोसा क्यों नहीं करता हूँ, आओ दिखाता हूँ। वो बगल के घर में एक लड़की को दिखाता है जिसे उसके पिता ने बांध रखा है। उस लड़की का राव के ही जूनियर साथी चंद्रावरकर से अफेयर चल रहा है। चंद्रावरकर ऊंची जात का है, एक हरिजन से शादी थोड़ी करेगा, केवल मजा करेगा और पेट से करके लड़की को मरने के लिए यहाँ छोड़ जाएगा। यहाँ से लौटते ही राव सबसे पहले चंद्रावरकर को गाँव से भगाता है। यहाँ अब उसकी कोई जरूरत नहीं। चंद्रावरकर के जाने के बाद समिति में भोला और उसके लोग भी शामिल होने लग गए। लगता है अब वे राव पर भरोसा करने लगे हैं। समिति में लोगों की संख्या बढ़ने से गंगानाथ डेयरी वाले मिश्रा की भी समस्या बढ़ने लगी है। आजकल उसकी डेयरी में कम लोग दूध बेचने आते हैं, मजबूरन मिश्रा को भी दूध का भाव बढ़ाना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद मिश्रा का काम नहीं बना। कीमत बढ़ाना तो समिति तोड़ने की केवल एक तरकीब थी, उसके तर्कस में अभी और भी तीर बाकी हैं। समय आने पर सबका इस्तेमाल किया जाएगा। समिति अभी बनी नहीं है, इसमें जात पात को लेकर लड़ाई है, अमीर गरीब का खेल है, ट्रक से दूध चोरी करने वाले लोग भी हैं। ऊपर से डर है कि सरपंच कहीं समिति को हड़प ना ले और इसे अपने फायदे के लिए चलाए। भोला चाहता है कि राव उनकी मदद करे, नहीं तो मिश्रा नाम के एक राक्षस के चंगुल से निकलकर सरपंच के कब्जे में चले जाएंगे सब। गांव में कोई भी समिति के लिए सरपंच के बरक्स चुनाव लड़ने से डरता है। हालांकि देशमुख को लगता है कि हमें किसी एक पक्ष की तरफदारी नहीं करनी चाहिए। कौन चुनाव लड़ेगा ये गांव का फैसला है, हमें सबको बराबरी में देखना चाहिए। लेकिन राव का मानना है कि एक के पास पैसा और सत्ता दोनों हैं और एक के पास कुछ भी नहीं। ऐसे में बराबरी की बात करना दोगलेबाजी लगती है। एक दिन जब राव समिति के किसी काम से बिंदु से मिलने पहुंचता है, देखता है कि आज घर में उसका पति भी मौजूद है। एक नंबर का शराबी है, महीनों तक दारू पीकर कहाँ पड़ा रहता है पता ही नहीं चलता है, केवल कभी कभी ही घर आता है। आज वो घर में है और राव को धमकाता है कि यहाँ से चला जाए, नहीं तो मार मार के भूसा भर देगा। पढ़ा लिखा होकर हमारी औरतों का पीछा करता है, हराम ज्यादा कुतरा कहीं का। मजबूरन राव को वहां से जाना पड़ता है। बिंदु का आदमी इतना बदमाश है कि उसने अपनी पत्नी को समिति से दूर रखने के लिए अपने ही भैंस को जहर देकर मार दिया। उसे परिवार की जरा भी चिंता नहीं है। बिंदु अपना खर्च कैसे चलाएगी, बच्चा कैसे पालेगी, वो तो खुद शराब पीकर घूमता फिरता है, पल्ला झाड़ कर कहीं निकल जाएगा। भैंस के मर जाने के बाद बिंदु के पास पेट पालने का कोई उपाय नहीं रहा। उसने भोला के सहयोग से समिति में मदद मांगी, पर राव कहता है कि कल मीटिंग में इस पर बात होगी। पर जाहिर है कि मीटिंग में सरपंच इस पर ना कर देगा, उसे किसी दलित की मदद से क्या फायदा, उसका वोट बैंक तो दूसरा है। राव कहता है कि यही वजह है कि समिति के चुनाव में उनका अपना उम्मीदवार खड़ा होना चाहिए। जब राव बिंदु को भैंस खरीदने के लिए अपनी तरफ से पैसे देता है तो वो बिना पैसे लिए वहां से चली जाती है। लगता है बड़ी स्वाभिमानी है। भोला से कहती है कि वो मदद मांगने गई थी, कोई भीख मांगने नहीं। अगले दिन जब मीटिंग में समिति के लिए प्रमुख का नाम दिया जाना है, समिति में केवल एक नाम आता है, ये नाम गांव के सरपंच का है। लेकिन भोला के कहने पर उनकी जात में से एक और नाम दिया जाता है, ये नाम मोती का है। हालांकि मोती सरपंच के सामने खड़ा होने से डरता है, लेकिन फिर भी अपने समुदाय के लोगों के समर्थन से वो समिति के प्रमुख पद के लिए चुनाव लड़ने को राजी हो जाता है। सरपंच को ये उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने कोई चुनाव लड़ने को राजी होगा। कहता है कि क्या राव साहब इंसान और जानवर दोनों को एक ही लाठी से हाँकोगे। इस बात पर मीटिंग में बड़ा बखेड़ा हो गया, भोला ने हंगामा कर दिया। हालांकि बिंदु और दूसरे गांव वाले देख सकते हैं कि डॉक्टर राव का झुकाव दलितों की तरफ ज्यादा है। वो उन्हें पूरा मौका देना चाहता है और शायद अंदर से चाहता है कि समिति के प्रमुख का चुनाव सरपंच ना जीत पाए। चुनाव से पहले हर कोई पूरे जी जान से प्रचार करता है, अपने लोगों को इकट्ठा करता है। भोला कहता है कि अगर सरपंच जीत गया तो समिति को भी अपने हिसाब से चलाएगा। कैसे वो सरकारी बीज केवल अपने खेत में बोता है और स्कूल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट अपने भाई को दिया, हमारे लिए वो कुछ नहीं करेगा। दूसरी तरफ सरपंच अपने लोगों से कहता है कि सबको अपनी अपनी हैसियत का पता होना चाहिए, बड़ा छोटा का अंतर रहे तभी काम में अनुशासन बना रह सकता है, तभी सबका जीवन सुख से गुजरेगा। आखिरकार चुनाव का दिन आ ही जाता है। सरपंच इस बात पर निश्चिंत है कि वही चुनाव जीतेगा।
पर मामला थोड़ा बिगड़ गया। मामला ड्रॉ पर अटक जाता है। जब उम्मीदवारों के नाम की लॉटरी होती है तो इसमें जीत मोती की होती है। ये बात सरपंच से सही नहीं गई। कहता है, ये कभी नहीं हो सकता है, मैं कभी चुनाव नहीं हारा। तुम मुझको जानते नहीं हो डॉक्टर, मेरी सभा में बड़े बड़े लोग भाषण देने आते हैं। तुम्हारी फटीचर सोसाइटी ने मेरी नाक कटवा दी, पूरी पंचायत में केवल मेरी चलती है। तुम्हारी सोसाइटी पंचायत की जगह ले ले, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ बिंदु भैंस के लिए कर्ज मांगने मिश्रा के पास पहुंच गई, लेकिन इस बार मिश्रा कर्ज के बदले बिंदु से एक कोरे कागज पर अंगूठा लगवाता है। कहता है कि वो सूद नहीं लेगा, बदले में इस कागज पर ठप्पा लगा दे। बिंदु का पति भी वही है, उसने बिना सोचे इसमें उसका अंगूठा लगवा दिया। इस कागज पर लिखा जाना है कि डॉक्टर राव ने बिंदु का रेप किया है। अंगूठा लगाने के तुरंत बाद मिश्रा का वकील डॉक्टर राव के पास पहुंच गया। उसने सोचा था कि राव को डरा देगा, पर वो वकील पर ही उल्टे चिल्लाने लगा। कहता है कि मेरे पास क्यों आए हो, इस चिथड़े को कोर्ट में पेश क्यों नहीं करते। हालांकि इस आरोप के बारे में बेचारी बिंदु को कोई खबर नहीं है, ये तो खेल मिश्रा का था। बाद में इसमें सरपंच भी जुड़ गया। जब राव कोर्ट के धौंस से डरा नहीं तो मिश्रा और सरपंच ने दलितों की बस्ती में आग लगवा दी। और जब दलितों ने पुलिस में मिश्रा और सरपंच की शिकायत की तो पुलिस ने गांव वालों को ही उल्टे अंदर कर दिया। बाद में मिश्रा दलितों का हिमायती बनते हुए गांव में बर्तन और कपड़े बंटवाता है, फिर गांव के मर्दों की जमानत कराता है। इसके बाद अपनी डेयरी में उनके स्वागत की योजना बनाता है। ये सारी तिकड़मबाजी समिति तोड़ने की थी, अपने डेयरी में फिर से गांव वालों को जोड़ने का उपाय था। पर भोला सब समझता है, वो मिश्रा की डेयरी में ही सारे गांव वालों पर बरस पड़ता है। मिश्रा सबको अपने चंगुल में फंसा रहा है। ये बात खोपड़ी में आती नहीं क्या, मत मारी गई है, पागल हो गए हो सबके सब। इधर सरपंच भी राव से खार खाया हुआ था। उसने ठान लिया है कि राव का ट्रांसफर यहाँ से करा कर रहेगा। अब तो लगने लगा है कि यहाँ समिति सफल नहीं हो सकेगी। गांव वाले समिति छोड़ छोड़ कर मिश्रा की डेयरी में भाग रहे हैं। आजकल वो दूध के ज्यादा पैसे भी देता है। एक दिन राव को हेड ऑफिस से चिट्ठी आती है, उसे वापस बुलाया जा रहा है। पर जाने से पहले वो बिंदु से मिलने चला गया। कहता है कि वो गांव से जा रहा है, हालांकि आज भी उसके पति ने उसे वहां से भगा दिया। बड़े आए हैं बिंदु की खैर खबर लेने वाले। राव के जाने के साथ लगा कि दूध की सहकारी समिति खत्म हो गई, लेकिन अब इसे संभालने की पूरी जिम्मेदारी भोला ने उठा ली है। वो मिश्रा की डेयरी पर लाइन में लगे लोगों पर चिल्लाता है, पछताओगे एक दिन, तुम भी नहीं समझोगे, समिति हमारी है, हम सब मिलकर चलाएंगे। आज केवल कुछ लोग समझे, लेकिन धीरे धीरे पूरा गांव इससे जुड़ने लगा। इसके बाद अलग अलग गांव में ऐसी ढेरों समिति बनी, जो आगे चलकर अमूल नाम की कामयाब सहकारी समिति बनी। यहीं से भारत के व्हाइट रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। एक छोटी सी कोशिश ने पूरे भारत की रूपरेखा बदल दी। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।